मैम रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? हाँ सीमा जी, रिपोर्ट्स तो आपकी आ गई हैं, और जहाँ तक मैंने आपकी रिपोर्ट्स रीड करी हैं, नॉर्मल है। मुझे लगता है कि एक बार सर को अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। क्या आप बेवकूफ वाली बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर किसने बना दिया आपको? माँ ये नहीं बन पा रही है, और टेस्ट मुझे अपना करवाना होगा। देखिए सर, जरूरी नहीं है कि हर बार जो कमी है वो औरत में ही हो। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें मर्दों में भी कमी पाई जाती है। तुम चलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से नकली फर्जी डॉक्टर बन जाते हैं। चलो यार यहाँ से। विशाल, मैं सोच रही थी कि अगर हम हॉस्पिटल जाके एक बार। तुम्हारे कहने पर गए थे ना डॉक्टर के पास। देखो अगर हम एक बार फिर से हॉस्पिटल। और वो बेवकूफ मुझे ही कहता है कि मैं अपना इलाज करवाऊं। अब ये भी कोई बात बनी भला? माँ तुम नहीं बन सकती, बांझ तुम हो, और इलाज मैं अपना करवाऊं। देखो मैं तो अपने सारे टेस्ट करवा ही चुकी हूँ, और अगर क्या कहा? मर्द में कमी? माँ तुम नहीं बन सकती, बांझ तुम हो, और कमी मुझ में ढूंढ रही हो। आज के बाद मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की ना तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? बांझ तुम हो, बांझ और कमी मुझ में ढूंढ रही हो, कमी मुझ में ढूंढ रही हो। आइंदा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की ना सीमा, ये लो। ये क्या है विशाल? दादी ने कुछ दवाइयाँ भेजी हैं बाबा जी की, इसे आज से लेना शुरू कर दो। विशाल ये दवाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। दादी ऐसी थोड़ी भेज देंगी कुछ भी, इसे आज से ही लेना शुरू करो, माँ बन जाओगी। विशाल मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी, और मेरे कहने पर प्लीज तुम एक बार अपना टेस्ट करवा। फिर से टेस्ट की बात? अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम एक बच्चा तो दे नहीं सकती, मेरे दोनों भाइयों को ही देख लो कि दो बच्चे हैं, और छोटे की तो भी पिछले ही साल शादी हुई है। तुम एक बच्चा तो दे नहीं सकती, ऊपर से तुम्हें दवाई खाने में भी प्रॉब्लम है। विशाल मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या? टेस्ट टेस्ट। तू एक काम कर, तू घर से बाहर निकल। नहीं चल विशाल। अरे मेरे मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है विशाल, मेरी मुझे बात तुझसे तलाक चाहिए। तू चल। अरे निकल, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। विशाल मेरी बात तो सुनो विशाल, मुझे कुछ नहीं समझा, तू निकल। मेरी बात सुनो विशाल, निकल। विशाल विशाल चेकअप करवाने आई थी। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? मैं वो अपनी वाइफ का बदन की टेस्ट करवाने आया था। वो माँ नहीं बन सकती। विशाल तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम्हारी पत्नी में कोई कमी है? देखो दूसरी शादी के बाद मैं तो माँ बन गई, पर क्या तुम बाप बन पाए? तुम मुझे हमेशा बोलते थे कि कमी मुझ में है, कि तुम में कोई कमी है, तुम बांझ हो, तुम मां नहीं बन सकती। आज मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन तुम आज भी अपनी पत्नी का फर्टिलिटी टेस्ट करवा रहे हो। इसका मतलब जानते हो? कमी मुझ में नहीं, कमी तुम में ही थी।
तुम नामर्द हो। मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने 5 साल कितने मर मर के काटे हैं। मुझे मुझे माफ कर दो सीमा। विशाल, जो तुमने किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी बस सजा ही है जो तुम्हें आज मिल रही है।